हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल जया इंटरनेशनल मैं जितेंद्र मिश्रा आज बात करेंगे सिंगल स्टेटस एक थाईलैंड के लिए जो होता है उसके बारे में बात करेंगे उसके लिए दो तरह का प्रोसेस है उसमें क्या होता है जिस स्टेट का आप हैं उस स्टेट से आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है फिर आपको अपने लोकल एरिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से अटैच कराना होता है उसके बाद स्टेट होम डिपार्टमेंट कंसर्न स्टेट से कराना रहता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टल होता है उसके बाद थाईलैंड एम्बेसी से भी अटैच होता है उसका ऑप्शन टू भी अवेलेबल है उसमें एस के बेस पर सारा चीज़ दिल्ली से डायरेक्टली हो जाता है उस केस में दिल्ली का नोटरी होता है दिल्ली के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टल होता है उसके बाद थाईलैंड एंबेसी से अटेस्ट होता है ये सारा एटेस्टेशन डायरेक्टली दिल्ली से हो जाता है और कोई भी आदमी इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकता है तब भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद